हेलो एवरीबॉडी, आज मैं लेके आई हूँ अंडर हैशटैग नो माई कंट्री एक ऐसा देश। आपको गैस करना है और मैं आपको कुछ वक्त दूंगी गैस करने के लिए, जिसको बोलते हैं मिनी इंडिया, जिसको बोलते हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो सारी ओरिजिनली इंडिया की है पर देश अलग है। जानते हो ये कौन सा देश है? गेस कीजिए। हम बात करेंगे आज मॉरिशियस की, जो अफ्रीका का एक टापू देश है, एक आइलैंड कंट्री है, जिसको बोलते हैं मिनी इंडिया। क्यों बोलते हैं इसको मिनी इंडिया? क्योंकि बहुत सारे ओडिशा, उड़िया, बिहार के लोग, साउथ इंडियंस, बहुत सारे हमारे भारत देश के ईस्टर्न साइड के पूर्वीय लोग बहुत सारे माइग्रेट हुए थे और मॉरिशियस गए थे। मॉरिशियस कहाँ पे है? जो नक्शा है अफ्रीका का, इंडिया और अफ्रीका, इंडिया है यहाँ पे है, अफ्रीका यहाँ पे है, तो मॉरिशियस यहाँ पे है। मॉरिशियस के बाद आता है माडागास्कर और माडागास्कर के ऊपर आता है कॉमोरोस और सेशल्स। तो ये टापू हैं, तो मॉरिशियस आता है थोड़ा सा इंडिया की ओर पर, है अफ्रीकन कंट्री। और ये कंट्री एक ऐसा अजूबा कंट्री है अफ्रीका का, ये एक देश ऐसा अजूबा है, मोस्ट पीस लविंग पीपल, कोई इंटरफेरेंस नहीं इसमें। आप आराम से इस देश के साथ अपना इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं और इंडिया एंड मॉरिशियस हैव अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप, सो आप यहाँ पे अच्छी तरह से अपना बिजनेस कर सकते हैं। बहुत बार हम अफ्रीकन कंट्री के बारे में बात करते हैं और रुक जाते हैं, बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस की बस्ती है और करीबन 13 लाख 15 लाख लोगों के पॉपुलेशन होगा इसमें। और ये जो टापू देश है वो इनएक्टिव वॉल्केनो के टापू बने हैं यहाँ पे, और मॉरिशियस उसमें से एक है। भाषा भी इंग्लिश है यहाँ की और ज़्यादातर लोग हिंदी शायद ना जाने पर समझ सकते हैं, क्योंकि वो सारे के जल सारे के रूट्स इंडिया में हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मॉरिशियस के बारे में अभी हम जानते हैं ज़्यादा, आपको एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे हम बताते हैं आपको। सो मॉरिशियस इज, इसका कैपिटल है पोर्ट लुइस एंड द लैंग्वेज इज इंग्लिश एंड मे बी फ्रेंच, बट इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कंट्री। एंड यहाँ पे हमसे 1.5 घंटा वो पीछे है, 1.5 आवर्स बिहाइंड अस। मिनी इंडिया एज आई टोल्ड यू, उसकी करेंसी है मॉरिशियन रुपीज, रुपी ही है पर मॉरिशियन रुपी है। एंड मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, मेन जो सबसे ज्यादा मॉरिशियस एक्सपोर्ट करता है वो है शुगर केन, टी, टबैको एंड सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स हैं वो ज़मीन के अंदर नीचे उगने वाले हैं, जैसे कि ट्यूबर्स एंड रूट्स। इंडस्ट्रीज इन मॉरिशियस, जो फोकस इंडस्ट्रीज हैं मॉरिशियस की, वो हैं टेक्सटाइल, टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए मॉरिशियस एक ज़माने में बहुत ही जाना जाता था, और हमारे 2014 के साल के बाद वो सारा कम हो गया, बिकॉज इट वॉज कंट्री वेर इन इट वॉज काइंड ऑफ a country which had very lenient policies on taxations and transfer of money. Seafood processing ka bhi bada business hai unka, real estate development, to energy and education and training. Ye sare focus areas hai inke. Abhi Mauritius se ek delegation aaya hua tha and they wanted to have a B2B networking meeting organized here in the city of Ahmedabad. So this is how they are, all of them are generally business people and very 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 strong hold that they have, kyunki bahut kam population hai aur ye log ki industries wagera bahut achhi chalti hai. Now India has signed with Mauritius. Mauritius and India have signed comprehensive economic cooperation and partnership agreement, CECPA. So iske antargat ये FTA है एक तरीके का, और इसके अंतर्गत मॉरिशियस हमसे और हम मॉरिशियस से काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बायलेटरल कर सकते हैं।
इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है मॉरिशियस को। मिनरल ऑयल्स, मिनरल फ्यूल्स, द डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड पैकेज्ड मेडिकामेंट, सीरियल्स में राइस सबसे बड़ा है, व्हीकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, मैनमेड एंड कॉटन, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील, फिश एंड मीट, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सिरामिक्स, सॉल्ट, सल्फर, सीमेंट एक्सेट्रा, केमिकल प्रोडक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन मटीरियल प्रोडक्ट्स। यहाँ से सारा कुछ जाता है मॉरिशियस। मॉरिशियस 2021 में इंडिया से 802 मिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस किया है। मॉरिशियस इज अ नेट इम्पोर्टर, क्योंकि मॉरिशियस के पास इतनी ज़मीन नहीं है कि वो बहुत कुछ खेती वगैरह करे, और ज़मीन का जो उपज भी है वो शुगर केन के हिसाब से ज़्यादा है उनके पास, तो इट डज नॉट हैव वेरी मेनी। एंड नाउ मोस्ट ऑफ द फार्मलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रीज आल्सो, इट इज इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। वन मोर थिंग अबाउट मॉरिशियस इज मॉरिशियस इज द एंट्री पॉइंट। मॉरिशियस कैन बी अ लॉजिस्टिक्स पॉइंट और अ वेयरहाउसिंग हब फॉर मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट बिजनेस टू हैव एन एंट्री एट जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी इनटू अदर अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केनिया, लाइक टंजानिया। So all these countries, if your product from Mauritius, if it goes to any other country in Africa, almost zero import duty that they may have to pay. So it is the doorway, it is the doorway leading to the African, main African continent, various countries in Africa. So this is a lot of businessmen prefer to create investment to have their own hub or to be have their own factories or warehouses in Mauritius, so that वहाँ से वो लोग अफ्रीका के दूसरे कंट्रीज में आराम से एक्सपोर्ट कर सके, या जैसे ज़रूरत रहे वो बायर्स की, अफ्रीकन कंट्रीज के बायर्स की, यहाँ से वहाँ प्रोडक्ट जल्दी एक्सपोर्ट हो जाए, कम फ्रेट लगे, क्योंकि मॉरिशस से मेनलैंड में ही तो जाना है कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए। Now, the freight routes are also easier with Mauritius. And there is a Mauritius Chamber of Commerce and Industries, MCCI. There is Indo-Mauritius Chamber of Commerce. You can contact there also. And there is Hindu Business Chamber of Commerce, Industries and Professionals, HBCCIP. यहाँ से बहुत लोग, हिंदूज की population इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी है, ये उन्होंने अपना ही एक चेंबर ऑफ कॉमर्स स्टार्ट कर दिया है। दिस CECPA, अंडर दिस FTA, ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन मॉरिशियस एंड इंडिया, यू कैन कवर गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स, एंड यू कैन ऑल्सो सेटल डिस्प्यूट्स इफ एनी। जब भी आप कोई भी देश का रिसर्च करें तो जरूर से देखें कि ट्रेड डिस्प्यूट रिड्रेसल हैं कि नहीं हैं। एंड मॉरिशियस विल बेनिफिट प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस इनटू इंडिया ऑन अ लिस्ट ऑफ 615, दैट इज 615 प्रोडक्ट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। यू कैन लुक एट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट में hcimauritius.gov.in. They have given all the details on the CECPA that we have signed with Mauritius. Mauritius is one country which is a very small country but is known for tourism. यहाँ लोग घूमने फिरने जाते हैं क्योंकि एक island country है, टापू देश है, और टापू देश होने के साथ साथ इसके पास बहुत सारे beaches हैं. And everybody would like to go for a holiday on a beach. So this is a vacation destination or a staycation destination or a holiday destination also. And the population is pretty friendly because they are, most of them have roots in India. Unke forefathers Bharatiya hi hain. Aapko dikhne mein aur bolne mein bhi thode se Bharatiya hi lagenge. They are very friendly people. Very peaceful country, no disputes whatsoever, and it is known as
द सक्सेस ऑफ अफ्रीका, मिनी मिनी इंडिया के साथ साथ उसे सक्सेस ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। मॉरिशियस के हिसाब से अफ्रीका का सक्सेस वगैरह बहुत अच्छा हुआ है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। एंड एवर सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ मॉरिशियस, मॉरिशियन मिरेकल बोलते हैं इसको, क्योंकि मॉरिशियस ने बहुत तरक्की की है। दिस कंट्री इज अ वेलफेयर स्टेट, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी देखरेख सुविधाएं सरकार अपने सिटीजन्स की रखती हैं, यानी कि हॉस्पिटल का खर्च, पढ़ाई लिखाई, कोई भी अगर डिसेबल्ड हैं तो उनके लिए सुविधाएं एक्सेट्रा, बहुत अच्छी तरह से सरकार इनकी ध्यान रखती है। और हमारे ट्रेड के लिए भी बहुत सही है बिकॉज ऑफ CECPA जो हमने अग्रीमेंट इनके साथ साइन किया है। ये अग्रीमेंट हमने इनके साथ, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया है इन February 2021, सो इट्स अ वेरी रीसेंट अग्रीमेंट एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस अग्रीमेंट। विश यू ऑल हैप्पी एक्सपोर्टिंग एंड होप यू हैव अ गुड स्टार्ट विद अ कंट्री लाइक मॉरिशियस इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। थैंक यू वेरी मच।